मिनिमम टू मैक्सिमम क्वांटिटी लिमिट्स क्या है आपके? केक में तो मिनिमम क्वांटिटीज हाफ के जी एंड मैक्सिमम तो फिर डिपेंड करता है कितने लोगों की गैदरिंग है और कितना लोग ऑर्डर करना चाहते हैं। ऐसी कुकीज़ में आई टेक मिनिमम क्वांटिटी 50 केक्स और फिर अगर किसी को पसंद आता है तो मैं उनको फिर से ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो कोई भी चीज़ अब ब्राउनी वगैरह में है मिनिमम ऑर्डर हाफ के जी, तो उससे कम तो मैं नहीं लेती हूँ बट हाफ के जी से मिनिमम। तो कितना टाइम पहले आपको ऑर्डर देना पड़ता है? एक्चुअली ना डिपेंड करता है किस चीज़ का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। इट इज़ फॉर कस्टमाइज केक एंड आई प्रेफर कि मुझे थोड़ा सा 2-3 दिन पहले अगर कोई ऑर्डर प्लेस करे तो इट इज़ बेटर बिकॉज उसकी तैयारी करनी पड़ती है। बट अगर जैसे ब्राउनी है या टी टाइम केक है सो 1 डे प्रायर दैट इज नॉट, उसके लिए उतना ठीक है। डोनट्स वगैरह है तो 1 दिन, बट टू बी यू नो कभी कभी मेरे पास और भी ऑर्डर्स होते हैं सेम डे के, सो आई प्रेफर आई ऑलवेज प्रेफर कि 2 से 3 दिन पहले अगर कोई ऑर्डर प्लेस करें तो मेरे लिए आसान हो जाए। पर अगर कोई शॉर्ट मूवीज के आपको ऑर्डर दे तो फिर आप लेते हो या? रियली डिपेंड्स, अगर मैं फ्री हूँ उस दिन, अगर मेरे पास कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो फिर मैं ले लेती हूँ, बट बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाता है सेम डे पे कवर करूँ। बट हाँ मैं करती जरूर हूँ, मैंने कई बार किया है और वो मेरे लिए एक अच्छा चैलेंज भी हो जाता है बिकॉज सेम डे मुझे स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है फ्रॉम बेकिंग एंड देन फ्रॉम ग्रीनिंग और फिर डेकोरेटिंग एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड। बट करती हूँ मुझे, इसी में मुझे मजा आता है। कौन सी चीज है जो आप सबसे ज्यादा एंजॉय करती हो? देखिए ये जो मैं काम करती हूँ ना क्रिएटिव वर्क, तो आप देखोगे डोनट्स को भी अगर मैं डेकोरेट करती हूँ उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है। स्पेशली केक्स में तो बहुत ही क्रिएटिव काम होता है और अगर हम उसे थीम केक बना रहे हैं किसी प्रकार तो वो मुझे बहुत मजा आता है करने में, स्पेशली बच्चों के लिए बिकॉज उनकी थीम्स आजकल आप देखोगे तो सुना भी नहीं होगा ना, हम ऐसे ऐसे थीम्स पे हम केक्स बनाते हैं और उसमें जो मैं फॉन्डेंट वर्क करती हूँ वो बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डेफिनेटली एंजॉय, आई जस्ट गो इन टू सम अदर काइंड ऑफ यू नो जोन यू कैन से, जब मैं वो काम करती हूँ बहुत मजा आता है, आई रियली एंजॉय। नो, मैं अकेली ही सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, मैं किचन में अकेली ही काम करती हूँ, चाहे कितना ही वर्कलोड आ जाए somehow I like doing it on my own, there's no help. बस मुझे जो कस्टमर्स के फीडबैक मिलते हैं मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, जब उनको पसंद आता है जो मैं बनाती हूँ I think उसी से मुझे मोटिवेशन मिली। That's really great. पर आप फिर इसमें होम डिलीवरी देते हो या नहीं? या डिपेंड करता है, देखिए अगर क्रीम केक्स हैं तो आई प्रेफर यू नो डिलीवरी इट मायसेल्फ, मैं किसी डिलीवरी एजेंट के थ्रू को काम नहीं करती बिकॉज कई बार क्या होता है कि ट्रैवलिंग में केक्स खराब भी हो जाते हैं, तो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहती बिकॉज उसमें मेरी मेहनत जा रही है, कस्टमर का पैसा जा रहा है, उनका इवेंट खराब हो रहा है, सो आई डोंट टेक चांसेस, आई डिलीवर इट मायसेल्फ अगर उन्हें डिलीवरी चाहिए तो। और अगर कुछ ड्राई चीजें हैं जैसे गार्लिक ब्रेड है या कुकीज है डोनट्स है ब्राउनीज है इस तरह के अगर ऑर्डर्स है देन आई यू नो डिलीवर इट थ्रू स्विगी। ओके, और उनका जैसा डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली डिलीवरी चार्जेस होते हैं और डिलीवरी के चार्जेस। अच्छा, और अभी हमारा चॉकलेट तो कट हो गया है और ये बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, बट मंजरी मैम आज आप कौन सी फ्लेवर की ब्राउनी बना रही हैं? आज मैं आपको सबकी पसंदीदा न्यूटेला हेज़लनट ब्राउनी बना रही हूँ। इतना मस्त लग रहा है। जी, मुझे पता है न्यूटेला के इतने सारे फैंस हैं तो मुझे लगता है कि मुझे वही बना के आपको खिलानी चाहिए और आपको टेस्ट करनी चाहिए कि कैसी बनी है। अभी आपने ऐसे बोला है तो मुझे अभी मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी ब्राउनी लेके दो। बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम फटाफट से बनाते हैं। तो देखो हमारा ब्राउनी का मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है, अब फटाफट से बस इसे बेक करने में रखना है और बस उतना ही पेशेंस चाहिए हमें। और जब ये बेक होता है इतनी बढ़िया खुशबू आती है इसमें से, एक्चुअली ये हमारे पेशेंट्स का टेस्ट है। अब भी इतनी मस्त खुशबू आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्रेजी अबाउट केक्स की क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी अगर आप पूछोगे मुझसे तो मैं हमेशा एक ही चीज मेंटेन करती हूँ कि व्हाटएवर प्रोडक्ट्स आई यूज
तो उसकी क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कभी भी. तो मैं हमेशा यही लिखती हूँ कि आई ऑलवेज यू नो देर इज नो देर आर नो प्रिजर्वेटिव, देर इज नो प्रीमिक्स. और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ, इंग्रेडिएंट्स जो मेरे हैं वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो उसमें मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. सो आई थिंक दैट इज माई यूएसपी. बस इसे टैप करेंगे थोड़ा सा और अब बिल्कुल बेकिंग के लिए रेडी. अभी ये कितना टाइम बेक करने वाले हो? इसको हाफ एन आवर. सो हमारी ब्राउनी रेडी है और अब आप मुझे टेस्ट करके बताइए कैसी लगी आपको. मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि कब भी ब्राउनी खाने मिले. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी है. आपने जो और आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स अभी यूज़ करते हो तो उसका एक अलग ही मतलब मस्त स्वाद आ जाता है उसकी वजह से. और ऊपर से आपने जो गार्निशिंग किया हुआ है वो इतना टेम्प्टिंग लग रहा है कि मुझे अभी पूरा खाने का मन कर रहा है. ऑल योर्स, ऑल योर्स. ओके, थैंक यू सो मच मंजिरी मैम कि आपने हमें टाइम दिया और इतनी टेस्टी ब्राउनी हमें आज खिलाई है. थैंक यू सो मच. एंड ऐसे ही टेस्टी और यमी बेक्स के लिए आप क्रेजी अबाउट केक्स को ऑर्डर कर सकते हो और आपके हिसाब से कस्टमाइज केक भी बनवा के दे सकते हो. थैंक यू. एंड फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू CPW वर्ल्ड एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू.